यार मेरा किस्मत बहुत खराब है पता है। एक औरत को क्या चाहिए, यही चाहिए ना कि उसका पति उसे खुश रखे। जो मतलब खुशी उस चीज में होता है ना, वो किसी चीज में नहीं है। अरे क्या बताऊं यार, इनकी टाइमिंग को लेके मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा मन होने से क्या फायदा है, कितना बोलती हूँ कि चलिए साथ में करते हैं, बहुत एंजॉय कीजिएगा आप भी, लेकिन लो हाँ, लो फुस, मशीनी काम नहीं करता है इनका, थोड़ा सा करेगा बस लो। लेकिन इनसे कुछ होता ही नहीं, मैं क्या बोलूँ अब आपको। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं सोच रही हूँ अपने पति के ऊपर एक डबल मीनिंग प्रैंक करूँ। प्रैंक कुछ ऐसा है कि उनका स्टेमिना अच्छा है ही नहीं यार, बिल्कुल एकदम टाई टाई फुस। गजब बेइज्जती है। तो ये बात मैं कर रही हूँ एक्सरसाइज की, आप लोग गलत मत लीजिएगा प्लीज। तो मैं सोच रही हूँ एक डबल मीनिंग प्रैंक करूँ उनके ऊपर, देखते हैं वो क्या समझते हैं। मैं अपनी फ्रेंड को बोलने जा रही हूँ कि वो मुझे कॉल कर ले 2 मिनट के बाद, और मैं उनसे अपनी दुख भरी कहानी बताऊंगी। जाहिर सी बात है यार, जब घर परिवार में इंसान खुश नहीं होता है तो अपने फ्रेंड लोगों से हर चीज शेयर करता है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। तो मैं भी अपने फ्रेंड से शेयर कर रही हूँ कि मेरे पति मुझे खुश नहीं कर पाता है। क्या रिएक्शन आता है हस्बैंड का, आप लोग देखिए, वीडियो को एंजॉय कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक से जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं वीडियो। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। हाँ, सब ठीक है घर में। आप बताइए, आपके घर में सब कुछ ठीक है? हाँ यहाँ भी सब ठीक है, एक इंसान को छोड़ के। यार मेरा किस्मत बहुत खराब है पता है। अरे हाँ भाई हाँ, क्या हुआ, क्या बताऊँ आपको यार। हर मतलब ठीक है, हर चीज अच्छा है, ठीक है, हर चीज से इंसान कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, सिवाय एक एक औरत को क्या चाहिए आप बताइए। यही चाहिए ना कि उसका पति फिट रहे, उसे खुश रखे, उसको मतलब हर तरीके से खुश रखे, समझ रहे हो? लेकिन मेरा किस्मत इतना खराब है ना मैम कि मैं आपको क्या बताऊं यार। चलो शॉपिंग, पैसा, गहना सब किसी काम का नहीं, लेकिन यार जो मतलब खुशी उस चीज में होता है ना। वाह दीदी वाह दीदी। मैं वो किसी चीज में नहीं है, जो मैं अभी खुश बिल्कुल नहीं हूँ उस चीज से। अरे क्या बताऊं यार, इनकी टाइमिंग को लेके मैं बहुत परेशान हूँ। क्या बोला तूने? किसी से नहीं, फ्रेंड से। आपको बताऊं यार, मुझे बताने में भी शर्म आ रहा है। मैं सुबह उठती हूँ ना तो सबसे ज्यादा मुझे मन करता है, सबसे ज्यादा, मैं बता रही हूँ सीरियसली। हाँ ये कर लो पहले। क्या फायदा? हाँ क्या फायदा, मेरा मन होने से क्या फायदा है? अरे कहना क्या चाहते हो? चलो मैं तो कर भी लूँ यार, लेकिन ठीक है, मैं इनको कितना बोलती हूँ कि चलिए साथ में करते हैं, बहुत एंजॉय कीजिएगा आप भी, लेकिन लो हाँ, लो फुस। मशीनी काम नहीं करता है इनका, थोड़ा सा करेगा बस लो। आपको पता है 2 दिन पहले मैं गई थी यार, लड़कियों को अच्छा लगता है अगर उसका पार्टनर मतलब एकदम फिट हो, वो हर तरीके से अपने बॉडी को मूव कर सके तो वो उसको अच्छे से उठा भी सकता है। लेकिन इनसे कुछ होता ही नहीं, मैं क्या बोलूं अब आपको। पार्टी बदल लिया साला, नाक कट गया है यार मेरा पूरे एकदम ना समाज में। यही नहीं, अभी और सुनिए यार, मैं ऐसी हूं ना कि मैं सुबह शाम दोनों टाइम कर सकती हूँ। शाबाश, और करती भी हूँ। मुझे मतलब इतना पसंद है कि मैं सुबह शाम दोनों, सुबह शाम क्या यार, मुझे 3 टाइम कोई बोले तो मैं 3 टाइम में भी मुझे दिक्कत नहीं है। वाह, अरे मैया,
लेकिन इनसे होगा तब तो, अकेले करने में भैया मजा नहीं आता है। सही पकड़े हैं। लेकिन ये भी बात है कि साथ में हम लोग करते हैं तो और नहीं हो पाता है। अकेले तो मैं यार आधे आधे घंटे तक कर लूं, एक घंटा भी कर लूं। अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, साथ में तो 5 मिनट भी नहीं होता है। अब बताइए मैं क्या करूं, इससे तो मैं अकेले ही कर लेती हूँ। सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। क्या बात कर रही है? अरे यार आ गए यार, सुन भी लिए सर। तो सुनेंगे ना, चिल्ला चिल्ला बात कीजिएगा तो। अरे सुनिए ना, छोड़िए, ठीक है रखिए यार, क्या करें, मैं किस्मत बहुत फूटा हुआ है, मैं सच बता रही हूँ। क्या किस्मत फूट गया भाई? रखिए फोन, रखिए पहले फोन रखिए। सो कैसे आज, चलिए सुनिए ना, मैं आपको फोन करती हूँ, ये ऑफिस आते हैं तो ठीक है, फिर मैं आपको बताती हूँ अच्छे से। क्या यार कुछ सजेशन दीजिए यार, बंद कीजिए ना फोन। लाइफ एकदम, मैं क्या बोलूँ ना, मैं एकदम खुश नहीं हूँ यार, बाहर से खुशी दिखता है लेकिन अंदर से मैं एकदम बहुत दुखी हूँ। फोन रखिए ना, अभी करते हैं खुश आपको। चलिए बाय बाय बाय। ये क्या है जी, क्या फोन पे क्या बात कर रहे हैं, क्या गलत बात कर रहे हैं? अगर हम आपको कुछ मतलब सॉल्यूशन के लिए हम कुछ बात करें, कोई मैरिड ही इंसान से बात कर रहा है कि दूसरा वो वही समझ सकता है दूसरे शादीशुदा का जो भी परेशानी है, समझे? इतना भी परेशानी नहीं है कि आप सबको ढिंढोरा पीट के जो बता रहे हैं। आपको लगता है कि आप परेशान नहीं है, आपको तो लगता है कि हम 5 मिनट में ही खुश हैं, लेकिन हम नहीं ना है, हम कैसे खुश रहे, हमको तो आधा घंटा चाहिए। हम चाहते हैं कि आप आधे घंटे तक कीजिए अच्छे से। दे अभी आधा घंटा आपको हम दे, होगा ही तो देंगे क्या? तो लग गए, झुका ही नहीं जाता है। वो तो आपको सोचना चाहिए ना कि कैसे अपना स्टेमिना बढ़ाए। इतना ही चौखा तो बाहर का डला भुना हुआ खाना बंद कीजिए, ये फास्ट फूड खाना बंद कीजिए, हेल्दी हेल्दी चीज खाइए कि आपका स्टेमिना बढ़े, टाइमिंग बढ़े। नहीं है आपके अंदर कुछ नहीं है। अगर है नहीं है आपको ये सब बाहर उतरने की क्या जरूरत है किसी को जी? बाहर में सजेशन ले रही हूँ, उनसे राय ले रही हूँ, कैसे होगा? सजेशन आपको दे हाँ? क्यों, वो लोग भी बहुत फिट रहती है, अच्छे अच्छे खाती पीती है, तो आप भी खाइए पीजिए तब तो होगा। हम खा खा के अपने अपना स्टेमिना इतना अच्छा कर लिया है। लग रहा है फ्रेंड का बहुत बड़ा स्टेमिना है। अरे यार इंसान अपना दुख दर्द किससे शेयर करता है, अपने फ्रेंड से। दुख दर्द शेयर कीजिए ना, ये सब क्या है, स्टेमिना नहीं है, शक्ति नहीं है, बचाई नहीं है। हाँ, क्या है तो नहीं है तो क्या है इसमें, हम बोले जब इंसान परेशान हो जाता है ना अपने साधुसा जिंदगी से, हम भी तो ही सेशन लेता है। हम भी सब जगह आप क्यों परेशान रहिएगा, हमसे क्यों परेशान रहिएगा, हम मेरा तो आधा घंटा एक घंटा का स्टेमिना है मेरे अंदर। ये तो लेटेस्ट न्यूज है, सब कुछ का स्टेमिना ही होता है क्या? तो क्या ए? होता है यार, हम आपसे क्या मांग रहे हैं कि मेरे लिए गहना बना दीजिए, मुझे पैसा तौल दीजिए। एक औरत क्या चाहती है, उसका पति, उसका पति जो है ना वो कम से कम उसको खुश रखे, उसका स्टेमिना अच्छा। मारना पीटना वो खुशी की बात नहीं कर रहे हैं, क्या आप हमको बहुत प्यार कर रहे हैं, पूछी कर रहे हैं, वो चीज नहीं। खुश हो जाते हैं तुरंत। अरे तो ये सब चीज बाहर को ले गया जरूरत है, हमसे सिखाया तो हमको बोलिए ना, बाहर आप फोन पे किसको बता रहे हैं? आपको तो बोल बोल के हम थक गए हैं कि बाहर का खाना इसे बंद कीजिए, थोड़ा सा अपना डाइट को अच्छा कीजिए, खाने में थोड़ा सा हेल्दी चीज खाइए, प्रोटीन वाला चीज खाइए, कि कम से कम आप अच्छे से कर पाए। सोचिए आपकी बीबी आपसे एकदम खुश नहीं है, जब खुश इंसान नहीं होता तभी बाद में परेशान होकर बाहर बोलता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने, कुछ नहीं कर पाते आप, झुक भी नहीं पाते हैं। हम चाहते हैं कि आप इस स्टाइल से कीजिए, उस स्टाइल से कीजिए, हर तरीके से आप कीजिए, लेकिन आपसे होता ही नहीं, तो हम क्या करें? परेशान हो गए हैं। मतलब ये यार जानते हैं अच्छा बात नहीं है, सुनिए कहां जा रहे हैं? अरे यार हमको आपको देखने में मन नहीं कर रहा है अभी, इतना खुश तो कर ही नहीं पाते हैं, तो हम आप देखिए क्या करेंगे। अपना ना ये जो शरीर है ना, ये कद्दू वाला पैर, इसको अंदर कीजिए, सबसे पहले इसको अंदर कीजिए तभी आप झुक पाइएगा, समझे? झुकने वाला शायद तभी होता है जब ये अंदर रहता है, तो वरना नहीं होता है। कुछ बोलो तो बुरा लग जाता है इनका। अरे तो ठीक है, तो मान लीजिए सब कुछ करेंगे, ये क्या तरीका है कि आप फोन पर सबको बता रहे हो? हम अपना तकलीफ शेयर कर रहे हैं। अरे तो ऐसा क्या तकलीफ, क्योंकि आप नहीं समझते
हैं, अगर आप समझते ना तो अपना शरीर को पहले सबसे पहले सही करते आप, समझे? शाबाश बेटा, इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है, ठीक है? बुरा नहीं तो होता ही क्यों नहीं है? मिला जुला के तो बात वही है, आप बहुत मोटे हो जाइए लेकिन कीजिए तो सही, बीवी को तो खुश कीजिए, बीवी ही खुश नहीं है इनसे, जान दे देंगे इसके लिए। ये बाहर जाते हैं, कहे आपको बाहर जाते हैं, वो सब इतना फिट फिट लेता है, वो देखिए कितना मुझे लगता है कि काश मेरा पति भी ऐसा इतना अच्छे से कर पाता। बहुत आपको बाहर देख करके मन करता है, है? जिम जाते हैं तो वहाँ देखते हैं इतना फिट फिट लड़का, तो सोचते हैं काश मेरा पति फिट रहता, इसलिए जिम जा रहे हैं। और फिट रहता तो वो मुझे हमको खुश रखता। जिम जाते हैं अपना बॉडी बनाने के लिए कि वहाँ देखते हैं। क्यों आप बंद करके रखें क्या? जिम करने जा रहे हैं तो जिम जुम्बा क्लास करवाते हैं सर, वो है एरोबिक्स वाली, कितने यार इंसान जब ना शरीर उसको सही होता है ना तो चेहरा पे भी ग्लो दिखता है। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। और चेहरा भी अच्छा लगता है, हर तरीके का हेयर स्टाइल उसकी अच्छा लगता है, लेकिन आपका ये ढोलक ठीक ही नहीं हो रहा है। हम खूब अच्छे बन जाए लेकिन आप ही ना बने तो क्या फायदा? कम से कम अपना शरीर ठीक कीजिए कि हर तरीके से आप बीवी को भी खुश कर पाइए, समझे? जाइए फ्रिज में फल रखा हुआ है ना, उसको लेके खाइए सुबह सुबह, सुबह सुबह बस चाय बना दो तब नींद खुलेगा इनका। चाय प्रेस पता है आपको? और शरीर बढ़ंगा हो तो जा रहा है, चाय से तो और स्टेमिना खराब हो जाता है, पता है आपको? हमको सब सुबह ग्रीन टी पीजिए, ग्रीन टी का डब्बा 3-3 डब्बा भरा हुआ है घर में। हमको सब पता है लेकिन ना ये हमको सबसे सब करेंगे, हम कर ही रहे हैं ना। कहाँ कर रहे हैं, कुछ तो नहीं होता है आपसे, फुस है फुस, समझे? तो ये सब बात आपको फोन पे बोलने की जरूरत है जी? हाँ बोलेंगे, जब आप समझ ही नहीं रहे मैं प्रॉब्लम हम किसको बोले, किसी को तो बोल के अपना दिल हल्का करे। हाँ बस आ जाओ, आ जाओ और कुछ हो ही ना। यार हम भी चाहते हैं कि मेरा पति जो है वो हमको खुश रखे, उसको देख के ही फील आए कि यार मेरा पति कितना मतलब अच्छे से सब कुछ कर लेता है। होगा ही नहीं, मैं एक्साइटेड रहूं और ये रहे वैसे ही। यार लेकिन वैसे सच सच बताऊं मैं अभी थक जाती हूँ। यार एक्सरसाइज करते करते हर कोई थक जाता है, इतना बुरा मानने की क्या बात है? ठीक है शुरू शुरू में नहीं होता है, पहला दूसरा दिन किसी से स्ट्रेचिंग नहीं होता है, नहीं होता है, झुक के नहीं होता है, वैसे भी नहीं होता था ये झुक के, अब हो जाता है स्ट्रेचिंग, हर तरीके का स्ट्रेचिंग होता है, पहला दिन दूसरा दिन नहीं होता है बाबू, आप टेंशन मत लीजिए हो जाएगा। हम क्या टेंशन ले रहे हैं? यही कि आपसे झुक के नहीं होता है तो आपसे ऐसे नहीं होता है, आपसे वैसे सब हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो अभी भी कैमरा में से बोलने की जरूरत है क्योंकि ये प्रैंक था। कैसा लगा मेरा मजाक? हम सुबह काम कर लेते हैं, एक्सरसाइज आपसे नहीं होता है। हाँ आपसे नहीं होता है, आप झुक के, ये मुझे पता है, 2 दिन पहले बोलते कि ऐसे ऐसे ना ऐसे करने से ये होता है आपसे, ऐसे जब झुक के दिखाई तो कैसे होता है आपसे। तो अभी क्या बात कर रहे थे फ्रेंड से भी आप? कहाँ बात कर रहे थे, वो तो हम बात कर रहे थे कि एक्सरसाइज में मैं बहुत मेरा टाइमिंग बहुत अच्छा हो गया है, कंटिन्यू मैं 15-20 मिनट तक एक्सरसाइज कर लेती हूँ आधे घंटे तक, लेकिन ये है कि आते हैं अच्छा अच्छा कि चलो करते हैं आज एक्सरसाइज और होता ही नहीं है इनसे। वैसे इनसे सच में झुक के नहीं होता है। सही खेल गया बहन, देखना चाहते हैं आप उदय? आप खड़े हो गए उठिए, नहीं उठिए, सब उठिए वरना लोग गलत समझेंगे, उठिए। क्या दीजिए, कैसे बोल रहे हैं? करिए, देखिए नहीं हो रहा है, देखिए हो गया, नहीं पैर मुड़ गया। तो सही में ये मुझे 2 दिन पहले दिखा रहे थे कि ना इसको ऐसे करने से ये पीछे का नस खुल जाता है, तो ये जब पैर हमारा जो हाथ है वो अच्छे से एंगल के पास पहुंच जाए तो फिर समझो। तो आप फोन पे किसको क्या बता रहे थे?
यार प्रैंक करने के लिए थोड़ा सा बोलना पड़ता है, और अगर मैं बोल देती इसमें बुरा क्या? आपका टाइमिंग को लेके नहीं बोली हूँ, टाइमिंग को लेके बोली हूँ, लेकिन वो केवल एक्सरसाइज को लेके था। पार्टी बदल लिया साला। अरे नहीं, अरे ना ना ना, मुझे पता है, मुझे सब आता है, मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ। तो गाइस, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम अगर आप देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।